अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है क्लब सैंडविच, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी आज की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार होगी, क्योंकि सबको बहुत पसंद होते हैं और हम लोग इनफैक्ट ख़ुद उनको बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना अपनी जो हमारी स्पेशल क्लब सैंडविच की रेसिपी है, जो हमारा सीक्रेट है, जो कि पूरे हमारे सिर्फ फैमिली को ही नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड्स को सबको बहुत पसंद है और सब लोग इवन हम लोगों से डिमांड फरमाइश करके वो बनवाते हैं और खाते हैं, तो सबको बहुत पसंद है। और इसके अलावा वो उसकी रेसिपी क्या है, वो कैसे बनेगी, मज़ीद हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से पूछते हैं कि जो हमारे क्लब सैंडविच है ये कैसे तैयार होंगे। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये मैंने ना थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा तो थोड़ा सा घी, ऑयल डालें, घी डालें वो आपकी मर्ज़ी, ये मैं ना चूल्हे पर रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें ना हल्का सा ना ब्राउन करना है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक अदर प्याज लिया है, उसको हम लोगों ने ऑयल के अंदर वहाँ पर क्या ब्राउन करना है, मतलब कैसा करना है, मतलब हल्का सा कलर देना, बस ज्यादा नहीं देना, हल्का सा कलर देना हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, ये आधा किलो सीने का मुर्गी का गोश्त है, मतलब बोनलेस चिकन हड्डी के बगैर, ठीक है। ये मैंने ले लिया आधा किलो, ठीक है। आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च, एक चम्मच तकरीबन वो नमक है, एक चम्मच जीरे का, ठीक है। ये चार चीज़ें इसमें डालनी है, मतलब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बस ये चार चीज़ें, ये चार स्पाइसेस जो हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ जी, ये लहसुन अदरक है बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ये ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो खुशबू हो जाएगी ज़्यादा सैंडविच में, वो अच्छी नहीं लगती। एक टमाटर अदरक वो हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भूनेंगे उसमें, तो ये मसाले नमक डाल दूँगी मैं, तो ज़ीरा डाल दूँगी, ये बाद में डालूंगी दोनों मसाले जब ना वो भूनने मतलब लगूंगी, बाद में फिर भूनूंगी ना, वो आपका मतलब हम लोग उसको लास्ट में ऐड करेंगे। हाँ जी, वो रेशा रेशा कर लेंगे ना उसके साथ, डोई के साथ में ऐसे ऐसे मार के ना रेशा रेशा कर दूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये मिर्चें ना बाद में डाल देंगे, काली मिर्च अगर पहले डाल दो ना कड़वा हो जाता है, इसलिए वो तो मतलब एक बार आप लोगों को ये भी एक नई टिप मिल गई है कि आप लोगों ने जो ब्लैक पेपर है उसको लास्ट पे डालना है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चीज़ है वो कड़वी हो गई, मतलब काफ़ी मतलब होता है लोगों को वो समझ नहीं पाता कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। हम लोग सूप बनाते हैं उसमें अगर आप पहले डाल दें तो वो कड़वा हो जाता है सूप भी, तो सर्दियों को बनाते हैं ना वो भी आपको दिखाएंगे हम लोग, तो इसलिए बाद में थोड़ा सा ना जब कॉर्नफ्लावर वगैरह डालते हैं ना फिर वो उसमें डालते हैं उस वक्त, ठीक हो गया। तो अब ये मैं बाद में डालूंगी मिर्ची। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी आज क्लब सैंडविच की जो रेसिपी है वो तैयार हो रही है। तो प्याज हमारे हो गया, हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और देखते हैं कि जो मजीद हमारे क्लब सैंडविच की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। ये मैं टमाटर, तो व्यूअर्स अब हम लोग एक टमाटर मैं डाल रही हूँ उसमें बारीक बारीक काट के आपके सामने, तो ये मतलब देख सकते हैं कि आप लोग हम लोगों ने प्याजों को मतलब हल्का सा बिल्कुल कलर दिया है, कोई ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं दिया, जस्ट आपको कह सकते हैं हम लोगों ने इसको हल्का सा सॉफ्ट किया है। ये ना लहसुन भी बस इतना सा डालना है चुटकी सा, मतलब आप लोग टू पीसेज इसकी आप जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसको शामिल कर सकते हैं, और जस्ट हम लोगों ने इसको पहले भी नहीं ज़्यादा डालना, ऑयल आप देख सकते हैं मतलब बराए नाम सा ही है, कुछ ज़्यादा हम लोगों ने ऐसे जिसके अंदर ऑयल शामिल नहीं किया, और जो अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि हम लोग आपको आज क्लब सैंडविच बना सिखा रहे हैं, तो क्लब सैंडविच का जो सा वो जो चिकन है जो उसका हम लोग उसकी फिलिंग करते हैं वही सबसे टेस्टी होती है, और वही अगर अच्छी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, और वही हम आप लोगों को आज बनाना सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने व्यूअर्स हमारी रेसिपी को पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आज जो हम आपको सिखा रहे हैं बहुत पसंद आएगी, और आप हमें अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो हमारे क्लब सैंडविच है वो आज बहुत ही मज़ेदार से तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके चिकन का यानी कि जो उसकी फिलिंग का काम है वो शुरू कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे चिकन को पहले हम लोगों ने तैयार करना था, और उसके बाद जो हमारे क्लब सैंडविच होंगे उसकी फिलिंग होगी उसको हम कैसे बनाएंगे और फाइनल लुक क्या होगा वो आप लोगों को देखना होगा, और उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो कि हमारे देसी फूड भी हैं, फास्ट फूड भी हैं, ट्रेडिशनल फूड भी हैं, और इंशाल्लाह इसके हवाले से हम लोग आपको आगे जैसे कि आपको पता ईद आ रही है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे।
तो ये ज़ीरा नमक मैंने डाल दिया। ठीक है व्यूअर, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से पहले ही कहा था, जस्ट हम लोग इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। नमक रच जाएगा ना उसमें गोश्त में, तो जस्ट सिंपली हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है और इसके अलावा हम लोगों ने ज़ीरा ऐड किया, तो बाकी हम लोग इसमें कुछ नहीं शामिल कर रहे। ये जो होगा हमारा चिकन, ये ब्लैक और वाइट पेपर में रेडी किया जाएगा, तो इसको हम लोग लास्ट में डालेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हम लोगों ने इसको पहले डाल दिया तो ये कड़वा हो जाएगा और ये खाने में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये कड़वा हो गया तो कोई भी इसको नहीं खा पाएगा। इसलिए हमें बाज़ औक़ात हम लोग कुकिंग करते हैं और हम लोग को समझ नहीं लगती कि हमसे गलती कहाँ हुई है, तो इट्स अ ग्रेट टिप फॉर यू व्यूवर्स कि आप लोग अगर ये गलती करते हैं और आप लोगों को इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि आप लोग बनाते हैं और कड़वी हो जाती है, तो नाउ यू विल नो कि आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों ने जो ब्लैक पेपर है उसको किस टाइम ऐड करना है, लास्ट पे आप लोगों ने इसको ऐड करना है, पहले आप लोगों ने इसको नहीं करना क्योंकि वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मा जो चिकन को भून रहे हैं, तो हम लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, नमक है, ज़ीरा है, अच्छी तरह हमारा इसकी स्मेल मर जाए। बोनलेस चिकन है हम लोगों ने, मतलब बोनलेस चिकन लिया है, डिके बगैर हम लोगों ने चिकन को लिया है। तो ये हमारा जो मतलब चिकन है यहाँ पर बन रहा है और हम आपको फिर दिखाएंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कब इसका मतलब रेशा रेशा जो इसके ज़रे छोटे छोटे हम लोग उसके पीसीज है वो करेंगे और हम लोगों ने कब हम लोगों ने इसके अंदर ब्लैक और वाइट पेपर को ऐड करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली है, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। तो घर में जो हम लोग बना के खा सकते हैं उसका अलग ही मज़ा है और बाज़ार के तो हम वहाँ खाते ही हैं, तो लेकिन अगर हम लोग घर में बनाएंगे तो इवन ये जब हमारे गेस्ट आते हैं घर में हम उनके सामने रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, मतलब आप इसको बना के रख सकते हैं, इसको रैपिंग कर कर आप लोग रख लें, जब आपका दिल चाहे आप इसको खा लें, मतलब इसको ज़्यादा देर के लिए तो आप प्रिजर्वेटिव नहीं कर सकते लेकिन फिर जब भी आप थोड़ा उसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पर चिकन तैयार हो रहा है। हाँ जी, ये भूनूंगी ना 2-3 मिनट और भूनूँ इसकी अच्छी तरह ना मुछियान मर जाए, क्योंकि लहसुन भी डाला है ना इसमें मैंने, तो वैसे भी भूना जाए ये अच्छी तरह, क्योंकि घी नहीं ना इसमें ज़्यादा डालना, तो अगर घी डालेंगे फिर जायका नहीं बनता इसका। तो मेरी भांजी आई थी पिंडी से, तो उसका मैंने बना के खिलाए, वो इतने उसे पसंद आए, उसने रेसिपी भी मुझसे पूछी, फिर दोबारा फरमाइश करके फिर बनवाए उसने। जी बिल्कुल, पिंडी से आई बहुत मज़ेदार। तो व्यूवर्स आप लोग भी इंशाल्लाह तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मतलब ये अगर आप लोग इसको फीडबैक हमें देते हैं हम शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन अगर आप लोग बनाकर हमें फीडबैक देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ हमारे मतलब फैमिली में हमारे रिलेटिव काफ़ी मतलब ये अच्छी तरह से सब इसके दीवाने हो चुके हैं क्लब सैंडविचेस के और इसकी सब डिमांड करते हैं, और आप लोगों को जैसे कि कज़न की बात सुना दी है मम्मा ने, उसने इवन ना सिर्फ इसकी रेसिपी पूछी है बल्कि उसने दोबारा से मतलब मम्मा से कह कर बनवाए और उनको इंजॉय करके खाया। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो भुना जा रहा है, 5 मिनट हो गए इसे भूनते, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, अच्छी तरह भुना गया। अब इसमें ना हम पानी डालेंगे बस इसके गलने के हिसाब से, तो भैया अब ना हम लोगों ने उबाला चढ़ जाए हल्की आंच पर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया, और क्योंकि हम लोगों ने चिकन को गलाना है, आपको पता है चिकन तो यूजुअली जल्दी ही हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। हाँ जी, फिर इसके रेशा रेशा कर लेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, डोई मारूंगी हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर अब हम लोग चिकन को गलने का वेट करते हैं और फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, अब देखें ये पक गोश्त गल गया ना, अब इसे ना ऐसे ऐसे करके ना हाथ से क्यों करना रेशा रेशा, इससे ना डोई से आराम से हो जाता है। ये देखें ऐसे, तो अब चिकन वीवर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गल गया है, तो अब हम लोग इसको रेशा रेशा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देशकी में ही इसको चम्मच की मदद से हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये गर्म और इसको पक भी रहा है साथ साथ, तो हम लोगों ने इसको देशकी के अंदर ही तोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ईजीली ये टूट रहा है, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो गल चुका है इसलिए ये आसानी टूट पा रहा है। तो देखें कितना मतलब तो लंबाई के रुख रेशे रेशे हैं ना, ये बहुत अच्छे लगेंगे सैंडविच में, जब हम खाते हैं ना तो हमारे मुँह में ये आएंगे ना रेशे, तो लंबे लंबे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ पता तो चले कि हम लोग खा रहे हैं, अगर हाँ कोई हम लोग हलवा कर लेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल नहीं करनी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर ये हमारा जो है चिकन, तो हम लोग हाँ जी ये ऐसे मैं
पाँच मिनट लगेंगे और फिर मैं ये का हो जाता, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है भैया, तो 5 मिनट के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये मैंने ना मसाले डाल दिए। तो वीवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारा चिकन है कितना ज़बरदस्त, हम लोगों ने उसको रेशे रेशे कर लिया है। और अब हम लोगों ने इसके अंदर लास्ट में, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इसके अंदर वाइट पेपर और ब्लैक पेपर लास्ट पर ऐड करेंगे, तो अब हम लोगों ने, क्योंकि ये फाइनल हो गया है, हम लोगों ने इसके अंदर रेशा रेशा हो गया और देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। विदाउट हैंड हम लोगों ने इसको आप लोगों के सामने यहाँ देशकी में ही किया है और अभी भी ये चूल्हे के ऊपर और पक रहा है, तो कितना देखिए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गया, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लास्ट में जो हमारे जो दो स्पाइस थे, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर था, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग मम्मा से पूछते हैं कि मज़ीद ये जो हमारी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी मम्मा, अब ये डब रोटी कैचअ म्यूनीस वगैरह लगा के ना तोशों पर अंडा ही, वो बाद में फिर हम दिखाते हैं ना आपको, ये ठंडा हो जाए। ठीक है, तो मतलब वीवर्स हम लोगों ने इसका फर्स्ट स्टेप जो था इसका मिक्सचर मेकिंग का स्टेप था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने जो उसकी फिलिंग करनी है क्लब सैंडविच की, जो कि चिकन की हम लोग फिलिंग करेंगे, वो हम लोगों ने आपको बनाना सिखा दिया है। तो यहाँ पर पहले हम लोग चिकन को बना कर छोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हम लोग जो हमारे ब्रेड के स्लाइस होंगे उनके अंदर हम लोगों ने इसकी फिलिंग करनी है, और जो हमारा मायनीज और कैचअप होगा, और जो हम लोग एग, मतलब जैसे कि हम लोग यूजली हम लोग परचेज करते हैं मार्केट से, बाज़ार से, बेकरी से, तो वही वाला मतलब सब कुछ प्रोसीजर जिस तरह वो तैयार होते हैं इस तरह ही हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन घर के अंदाज में। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और ये टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब आप लोग इसको बनाकर जब खाएंगे और हमारे तरीके से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बाज़ार का भी जो उनसे जायका है उसको भूल जाएंगे और आप लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम लोग घर में ही बनाकर खाएं। तो व्यूअर्स इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक दें कि कैसा बनाए, देख लें माशाल्लाह देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम लोग इसको खुश्क होने का पानी वेट कर रहे हैं और ये ठंडा हो जाए, तो क्योंकि थोड़ा सा जोन सा है, हम लोगों ने घी आप लोगों ने देखा कितनी कम मिकदार के अंदर शामिल किया था, तो इसका ठंडा होने के बाद हम आपको जो ब्रेड के स्लाइस वगैरह हैं और जो हमारा मतलब सैंडविच की फाइनल लुक है वो दिखाएंगे कि वो कैसे तैयार होंगे। जी तो वीवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा चिकन था, हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे, तो देखें अब ये वीवर्स माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम लोग जो आगे हैं क्लब सैंडविच की मेकिंग की तरफ, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ब्रेड ली है ये आप देख सकते हैं जो मम्मा के पास पड़ी हुई है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर अंडे लिए हैं और हम लोगों ने कैचअप और मायनीज लिया है। ठीक है, इसके साथ हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। हाँ जी, ये देखो ना, ये मैं ऐसे करती हूँ ना, पहले मैंने बना के रख दी है, तो अब मैं ये बना रही हूँ आपके सामने लगा के ना, आप बताते जाओ बेटा। तो व्यूअर्स आप लोग देखें कि हम लोगों ने कैसे, मतलब आप लोगों को पता है कि जो क्लब सैंडविच होते हैं वो किस तरह के, मतलब 3 स्लाइसेस के होते हैं, तो जो फर्स्ट स्लाइस है क्लब सैंडविच का उसके अंदर हम लोगों ने मायनीज ऐड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको स्प्रेड करके ब्रेड के ऊपर इसको अब हम लोग इसकी सेटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब ईजी है क्योंकि जो मेन इसकी रेसिपी थी वो चिकन की थी, ऑलरेडी वी हैव डन देयर, तो वो हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे स्लाइस है वो तैयार हो रहे हैं। तो अब ये आप लोग देखें कि कैसे मम्मा ने इसके ऊपर ये चिकन जो है हम लोगों ने बनाया था उसको रख रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। जस्ट हम लोगों ने सिंपल ब्रेड ली है, तो आप लोग कोई भी कंपनी की ब्रेड ले सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर नॉन ब्रेड, और ये भी मैं आपको बताऊँ सादी ब्रेड लेनी है और वीवर्स आप लोगों ने नहीं लेनी, पर सिंपल ब्रेड क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कंपनी की लेनी है, कंपनी की हम लोगों ने यहाँ पे नॉन ब्रेड ली है, तो आप लोग सिंपल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो से आप लोग मतलब ब्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो सिंपल वाली लेनी है, मिल्की नहीं लेनी, हम लोगों ने भी सिंपल ब्रेड ली है, तो जो सैंडविच के काम आती है। हाँ जी, जो मतलब सैंडविच की ब्रेड होती है वो वाली आप लोगों ने कैकेट लेनी है, तो वो मार्केट्स में होती है बेकरी से या आपको अच्छे टोर से मिल सकती है। तो ये देख लीजिए जो हमारा फर्स्ट स्लाइस है वो हमारा डन हो चुका है, हम लोगों ने कितना जबरदस्त लग रहा है, ये देखिए सादा दूसरी तरफ से ऐसे में, तो ये हम लोगों ने लगा के ऐसे दबा दिया सिंपल। हाँ जी, स्लाइस अब ना, अब मैं ना इसे ना एक आपके सामने ना केचप लगाती हूँ इसे। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा कि जो पहला हमारा स्लाइस था उसके ऊपर हम लोगों ने मायनीज लगाया, और जो हमारा चिकन था उसका हमने स्प्रेड किया, और बिटवीन जो है कि जो हम लोग सेंटर में सिंपल जो हमारा स्लाइस है ब्रेड का उसको रखा, एंड नाउ वी आर पुटिंग द थर्ड स्लाइस।
तो हम लोग यहाँ पर तीसरा जो स्लाइस है उसको हम रख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके मतलब अभी ये हमारा सैंडविच जो है वो कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अंडे नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने जो हमारे एग हैं उनको फ्राई करना है और वो भी इसके अंदर रखने हैं। तो जस्ट अभी हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने कौन सी कैचअप और मेयोनीज़ वगैरह इसके ऊपर लगाना है। तो ये जो हमारी कैचअप है वो भी लग गई है। तो ये आप लोगों ने इसके पुट नहीं करना। ये देखे ना, ये मैंने कर लिया ना इसके, तो ये इसके लिए ठीक है। ठीक है, अब ना मैं ना अंडा फेंटती हूँ, चलो इससे फेंट लेती हूँ। ये देखिए मैंने अंडा फेंटा, ये अब ये मैं ना उग्रा आ जाए। तो ठीक है व्यूअर, हम लोगों ने सिंपली इसके ब्लैक पेपर को क्रश कर दिया था। तो अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो हमारा एग कैसे फ्राई होगा। तो जी मैंने डाल दिया था इसमें, ये देखिए अब मैं इसके दो पीस कर लेती हूँ। देखिए ना आपने आपके सामने, ठीक है अब ये मैं इसे ऐसे उठा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, मतलब बहुत ही इजीली, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल हम लोग यानी कि अगर हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में सम टाइम इस तरह का जो बीट करके एग बना लेते हैं, तो वही हम लोगों ने इसको जस्ट बीट किया और सिंपली हम लोगों ने इसके अंदर जो ब्लैक पेपर था उसको क्रश किया था और उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। और अब हम लोग उसको फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन जो हमारा जो आज की जो हमारी रेसिपी है और वो सैंडविच की क्लब सैंडविच की वो डन होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने उसके जो स्लाइस हैं उनके अंदर हम लोगों ने अब अंडे को ही रखना था। तो अब हम लोग इसको वहाँ रख रहे हैं। तो आपको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखें कैसे मामा इसको रख रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे आज के क्लब सैंडविच हैं, जो घर में होम मेड क्लब सैंडविच है, वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो अब आप लोगों को व्यूअर मतलब बेकरी से या बाहर से लेकर खाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो आप इसको घर में बनाएं और इंजॉय करें और हमें अपनी फीडबैक दें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइस है वो भी मतलब जो हमारा सैंडविच है उसके ऊपर भी हम लोग वैसे ही जो हमारा एग उसको पुट कर लेंगे। तो हम लोग उसको रख रहे हैं सेम वही उसी तरह हम लोग, और फिर हम आपको अब दिखाते हैं इसको। इधर आ जाओ बेटा, आप दिखा दो फिर काट के दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो से हमारे क्लब सैंडविच है वो फ़िलहाल हम लोगों ने इसको बना लिया है, लेकिन अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की। कट करके हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर से जो हम लोगों ने इसकी फिलिंग की है और वो कितनी मज़ेदार से, जो यहाँ से किचन में खुशबू आ रही है तो बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर स्मेल है और दिल कर जल्दी से इसको खा लें, मुँह में पानी आ रहा है। तो हम आप लोगों को काट कर दिखाते हैं और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को मिस नहीं करना। और अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाते रहें। तो अब हम लोग आप लोगों को इसको कट कर कर दिखाते हैं और आप लोग उसके फाइनल लुक देखिएगा। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे क्लब सैंडविच हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको ज़रा करीब कर दिखा देती हूँ, ये देखें कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है मेयोनीज़ भी है और चिकन भी, केचप भी, ये देखें आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये रखी है, देखें इनकी हम लोगों ने कटिंग कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं। हम लोगों ने इसकी सर्विंग कोक के साथ की है। तो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, अगर आप ये किनारे उतारना चाहते हैं ना, ये वाले ये मैंने उतारे नहीं, तो कई लोग ना उतार देते हैं, मैं भी उतार देती हूँ। वैसे मैं कहती ज़ाया जाता है, अल्लाह ताला का रिज़क है, तो ये बच्चे खा लेते हैं, अच्छा लगता है साथ। तो इसलिए अगर किनारे आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें, नहीं उतारना चाहते तो ना उतारें। अक्सर तो मैं बाज़ार से मंगाती हूँ तो वो भी साथ ही होती हैं पैक किए हुए ये किनारे भी, तो इसलिए मैंने फिर उतारे नहीं। मैं कह रिज़क की क्यों करना होता ज़ाया, इसलिए ठीक है। तो व्यूअर्स आप लोगों की मतलब चॉइस, अगर आप लोगों ने काटने तो आप लोग काट लें इसके कॉर्नर्स को, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग भी जो मंगाते हैं यूजली अब तो उसकी मतलब नहीं होती, इसी तरह के जो क्लब सैंडविच होते हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से जो है वो हमारे सैंडविच, ये देखें
आप लोग तैयार हो गए। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमें अपने फीडबैक दें और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने आपको घर में आ चुके हैं क्लब सैंडविच बनाना सिखा दिए हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं मुझसे, आप टेस्ट करें, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। हाँ जी, और मुझसे आप मज़े की है और मज़ीद वेट नहीं हो रहा है इनको इतने मज़ेदार से सैंडविच सामने देखकर, तो मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोग इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।